नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड सुनाऊंगी। तो जहाँ भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है और भगवान राम अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेने जाते हैं। अति विषाद बस लोगे लोगाई गए, मात पहि राम गोसाई सीता राम, मुख प्रसन्न चित चौगुन जाओ, मिटा सोच जन राखे उराओ सीता राम। अर्थात सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। और श्री राम जी को राजतिलक की यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन समझ पाकर यह सोच मिट गया है। नौ गयंद रघुवीर मनु राज वालान समान, छूट जानी बन गवन सुनो उरंद अधिकान, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी सीताराम। अर्थात श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा सीताराम, दीन आशीष लाई उर लीने, भूषण बसन निछावर कीने सीताराम। अर्थात रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरण में सिर नवाया, माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगाया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुम्बति माता, नयर नेह जल पुलकित गाता सीताराम, गोद राखि पुनि हृदय लगाए, स्तोत्र प्रेम रस पयत सुहाए सीताराम। अर्थात माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया, सुंदर ऐसा प्रेम रस बहाने लगी है। प्रेम प्रमोद ना कछु कहीं जाई, रंक धनद पद भी जनु पाई सीताराम, सादर सुंदर बदर निहारी, बोली मधुर बचन महतारी सीताराम। अर्थात उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कई हो तात जाननी बलिहारी, कब ही लगन मुद मंगलकारी सीताराम, सुकृत सील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कहीं अवधि अघाई सीताराम। अर्थात हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य सील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय चाहत नर नार सब अति आरती एहि भाति, जिम चात कि चात कि त्रिषित, वृष्टि शरद ऋति स्वाति सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी सीताराम। अर्थात जिसने लग्न को सभी स्त्री और पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के साथ ही नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर को चुखाऊ सीताराम, पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया सीताराम। अर्थात हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु सनेह सुर तरु के फूला सीताराम, सुख मकरंद भय त्रिय मूला, निरख राम मन भवर न फूला सीताराम। अर्थात माता की अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानव स्नेह रूपी
कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी कहो मातु सन अति मृदु बानी सीताराम पिता दीन मोहि कानन राजू जह सब भांति मोड़ बल काजू सीताराम। अर्थात धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको तो वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता जेहि मुदि मंगल कानन जाता सीताराम। जनि सनेह बस डर पसि भोरे आनंदो अनुग्रह तोरे सीताराम। अर्थात हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं, हे माता तेरी कृपा से आनंद ही होगा। जय श्री राम।